नमस्तेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ऋणमी दूर सव्य सिद्धे झाड़ोत्तम खव दीह दीह संसारे दस दस दो दोड़ा जने दस दो अड़ू पेहणम बुक्षे णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम नमो वायरीयाणम नमो वज्रायाणम णमो लोये सवसाऊनम अनंतानंत सुदेव परमेष्टि भगवान की प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की शांतिनाथ भगवान की महावीर भगवान की परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की परम पूज्य परम्पराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की अहिंसा महि विश्व धर्म की महान बाबू हम सभी लोग द्वादशांग अनुपेक्षा मतलब 12 अनुपेक्षाओं का चिंतन कर रहे थे जिसमें आचार्य भगवंत हम सभी को उत्तम ध्यान के बारे में व्याख्यान दे रहे थे जिसमें झाड़ोत्तम शब्द का बड़ा ही महत्व है। इस गाथा के अंदर मंगलाचरण की प्रथम गाथा में आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव स्वामी हम सभी शिष्यों को उस मोक्ष मार्ग में स्थिर होने के लिए ध्यान की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग में मजबूती तभी है जब साधक ध्यान में स्थित है, ध्यान में लीन है, क्योंकि ध्यान में लीन होना ही श्रावक की उत्कृष्ट साधना है। और उस ध्यान के बल पर यह जीव घातिया कर्मों का क्षय कर मोक्ष पद को प्राप्त करता है, जिसमें कौन सा आगे के दो ध्यान में कौन कौन से धर्म ध्यान नहीं पीछे के दो ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आचार्य भगवंत कहते हैं भद्र परिणाम भद्र परिणामी भी लोग देखे जाते हैं। कौन देखे जाते हैं? भद्र परिणामी लोग भी देखे जाते हैं। और जहां पर भद्र परिणाम है वहीं पर हम ध्यान की शिक्षा को स्वीकार कर पाते हैं। जहां पर हमारे क्रूर परिणाम है, जैसे कल चर्चा हम लोगों ने की थी कि जब साधक अपनी चारों कषायों का क्या कर देता है, उपशम क्षयोपशम और क्षय कर देता है,
जिसमें अनंतानुमंती, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचुलन, ये चार कसाएँ। कितनी कसाएँ हैं? ये चार कसाएँ, जिसमें ये चारों कसाएँ ये जीव को क्रमशः सम्य दर्शन, देशव्रति, महाव्रति और कैवल्य ज्ञान होने में बाधक हैं। आचार्य भगवान कहते हैं जितनी जितनी कसायों का यह जीव उपशम, क्षय और क्षयोपशम करता जाता है, उतना उतना ये विशुद्धि को प्राप्त होता जाता है और आगे चलकर समस्त घातिया और अघातिया कर्मों का क्षय कर मोक्ष को प्राप्त होता है, सिद्ध सला को प्राप्त होता है, सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाता है। पर आचार्य भगवंत यहाँ पर संकेत हमको दे रहे हैं कि धर्म ध्यान में हम लोगों ने जो चर्चा कर रहे थे, कल हम लोगों ने चिंतन किया था कि कसायों का और कसायों के साथ साथ यह जीव जब तक वृत्ति का भाव लेकर नहीं आता है जब तक इसके जीवन में वृत्ति का भाव नहीं आएगा, तब तक ये ध्यान की ओर आकर्षण भी नहीं होगा। जहां पर जीव के ज्ञान में ये आ जाता है कि संसार निस्सार है, आखिर मैं ध्यान में चिंतन क्या करोगे, क्या विचार करोगे, आंख बंद कर बैठ जाओगे, जो दिन भर की दिनचर्या होती है वही हमारे संज्ञान में भी चलती है, ऐसा भी ध्यान देखा जाता है। अधिकांश हमारे जीवन में यही होता है, जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं वैसे ही हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रकार की क्या प्रारंभ हो जाती हैं, बातें शुरू हो जाती हैं, ऐसा वैसा, ऐसा करना है, वैसा करना है, जहाँ तक है जो चित्त में नहीं आना चाहिए वो भी हमारे चित्त में आना प्रारंभ हो जाता है। प्रभु का ध्यान करने बैठे थे, जीव तत्व का चिंतन करने के लिए बैठे थे, पर वहां पर चिंतन में क्या आ रहा है, संसार की बातें आ रही हैं, कभी बाजार में मन जा रहा है, कभी गली गलियारों में मकान हमारा दिमाग जा रहा है, पर एक वस्तु पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है, एक विषय पर। आचार्य भगवत कहते हैं ध्यान में अगर जीव विचय का ध्यान करना है, जीव का चिंतन करना है, और जीव के चिंतन करने के लिए हमारे पास बहुत विषय है, चारों गतियों का विषय है। जीव के लिए अभी तक कितने कितने दुखों को उठाया, वह सारा विषय किसमें है, जीव को विचार करने में। यह जीव कैसे दुखी हुआ, कैसे यह सुखी होगा, इसका चिंतन करना, ये भी धर्म ध्यान का ही विषय है, जिसमें आज्ञा, उपाय, अपाय और जीव विचय, और फिर आता है अजीव विचय। आचार्य भगवंत ने संकेत दिया जीव का भी चिंतन कर सकते हो, और जो जीव से जो विपरीत है उसका भी क्या कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो। एक संत का प्रवचन था, चेतन जीव, क्या समझे आप लोग, चेतन जीव है, जीव क्या है, चेतन है, एक पत्थर कौन है, अजीव है, समझे ना आप लोग,
जब तक खयान में है तब तक वह जीव है, और जैसे ही खयान से बाहर निकला तो वो कौन हो गया? अजीव हो गया। रत्न ले लें अपन समझने के लिए। जीव की दृष्टि में रागत द्वेष है। क्या है जीव की दृष्टि में? क्या है? रागत द्वेष है। कैसा? ये अच्छा है और ये कैसा है? बेकार है। बात पूरे समझना है, चिंतन करना है। एक जीव के अंदर भाव पैदा हुआ ये अच्छा है या बुरा है, पर अजीव के अंदर तो ऐसा भाव होता ही नहीं है। क्या नहीं होता? अजीव के अंदर तो ऐसा भाव होता ही नहीं है। उसको चाहे कोई भी ले जाए, कहीं भी ले जाए, वहीं चला जाता है, और जैसा उसको प्रयोग करना है वैसा वो प्रयोग कर लेता है। आप लोग सब जीव हैं और ये माइक अजीब है ना। आज ये संत के पास लगा हुआ है, मुनि के पास लगा हुआ है, तो ये आप तक क्या पहुंचा रहा है? जिनवाणी के शब्दों तक आप तक पहुंचा रहा है। और यही माइक, यही सिस्टम कहीं अन्य स्थान पर लगा हो तो बताओ, जाने से मने करेगा कि मैं नहीं जा रहा हूं? मैं है कोई भी ले जाओ, कुछ भी बुलवा लो इस पर। इसका तो काम सिर्फ क्या है? क्या काम है इसका? इसका तो मात्र यही काम है कि उसको जैसा था वैसा क्या करना, उसको वहां पहुंचाना। तो यहां पर भी हमको समझना है, ये बड़ी चिंतन वाली बात है, हमारा जीवन भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। ये सब कब होगा? जब हमारे पास में धर्म ध्यान की व्यवस्था होगी। कैसी व्यवस्था होगी? धर्म ध्यान होगा। आचार्य भगवान कहते हैं, आप लोगों ने शायद ग्रंथ का नाम सुना होगा, 24 ठाना पढ़ा, सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा। उसमें लगाना पड़ता है, 24 ठाना पढ़ना नहीं होता है, 24 ठाना लगाना होता है। जीव की खोज, 24 ठाना क्या है? जीव के 24 स्थान है, उनमें क्या करना? उनकी खोज करना, गति मार्गणा आदि का वर्ण, इंद्रिय का वर्णन है। यहां पर बात बड़ी समझने वाली है, सोचने वाली बात है। जब उस 24 ठाणा ग्रंथ को लगाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, जीव के बारे में चिंतन करते हैं, तो चलते चलते में अपन विचार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चल रहे हैं, और चलते चलते में हम लोगों ने क्या किया? चिंतन किया। याद रखना, धर्म करने के लिए, धर्म ध्यान करने के लिए कहीं पर कुछ भी बाधक नहीं है, कोई बाधक नहीं है। किसने बाधक नहीं है? धर्म ध्यान की भूमिका में कुछ भी बाधक नहीं है। कहीं पर भी, कैसे भी, किसी भी वस्तु में हम क्या कर सकते हैं? धर्म क्रिया और धर्म ध्यान कर सकते हैं। विचार करने वाली बात है, रात्रि के समय, अर्धरात्रि में किसी का भाव आया, मुझे ये विषन छोड़ने हैं, बताओ वो क्या करेगा? अर्धरात्रि में चिंतन आया कि मुझे ये विषन छोड़ने हैं,
बताओ वो क्या करेगा? सुबह का इंतजार करेगा, बताओ सुबह का इंतजार करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्या पता जो भाव आज है सुबह तक ना रहे, झट क्या करेगा, झट उन वस्तु को छोड़ देगा, पर इंतजार नहीं करेगा। और जो इंतजार करेगा वो उसको छोड़ नहीं पाएगा। क्या समझे? कोई कहे कि हाँ छोड़ने का भाव तो है, पर क्या नहीं हो रहा, छोड़ नहीं पा रहा हूं। वो क्या दे रहा है? तारीख पर तारीख दे रहा है, आज नहीं कल, कल नहीं फिर कभी, फिर नहीं फिर कभी। करते करते क्या हुआ? पूरा का पूरा समय क्या निकल गया? निकल गया। आखिर में वो कुछ कर पाया? नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्या कारण था उसका? आखिर में ऐसी कौन सी कमी थी वो जिस कारण नहीं कर पाया? आचार्य भगवान कहते हैं मात उसकी ये कमी थी, उसने त्याग का क्या किया था? इंतजार किया था। क्या किया था? त्याग करने के लिए इंतजार किया, करूंगा करूंगा करूंगा, पर क्या हुआ? वो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? विषयों में आसक्ति थी, उसको जीव तत्व का चिंतन नहीं कर पा रहा था। किसका चिंतन नहीं कर पा रहा था? जीव तत्व का चिंतन नहीं कर पा रहा। जब तक जीव तत्व का चिंतन नहीं होगा तब तक वो जीव आत्मा त्यागी की ओर अग्रसर भी नहीं होगा। बड़े सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है पवन जी। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी बुराइयां प्रवेश कर रही है वो बुराई के रूप में नहीं अच्छाई के रूप में कर रही है। बुराई भी कैसे आ रही है? अच्छाई के रूप में आ रही है। और जब अच्छाई के रूप में आ रही है तो हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन वो बुराई हमको बुराई के रूप में दिखना प्रारंभ हो जाएगी उस दिन आपको छोड़ने में भी वक्त नहीं लगेगा। शायद सुकमाल स्वामी के जीवन चरित्र से है, जब वो ब्राह्मणी मतलब कन्या थी ब्राह्मण की, उस समय उसको देखा देखी एक मुनराज ने 5 व्रतों का नियम दे दिया। कितने व्रतों का? 5 व्रत, जो 5 पाप होते हैं ना, उनको छोड़ने का क्या दे दिया? नियम दे दिया। हिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य मतलब आप ब्रह्म का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, आप ब्रह्म में रहना। अब परिग्रह में भी अणुव्रत के लिए परिग्रह परमाण व्रत, और मुनियों के लिए अप्रज्ञ ही, पर ग्रस्त था तो ग्रस्त में क्या करना पड़ेगा? परिग्रह का प्रमाण करना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ, जब व्रत लेकर अपने घर की ओर गई तो उसके पिता ने कहा कि तू क्या लेकर आ गई? ये व्रत हमारे नहीं है। तो उस समय गुरुजी ने एक बात और कही थी कि जब इनको छोड़ना हो
तो मेरे पास ही आके छोड़ना। क्या समझे, क्या बोला उन्होंने, जब ये व्रतों को छोड़ना हो तो क्या करना, कहीं एकांत में मत छोड़ देना। मैंने दिए हैं ना तो किसको देना, मुझ जाकर दे देना कि मेरा माल मुझे वापस कर देना, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा ही हुआ, जब पिता ने कहा कि तू व्रत लेकर आई है, जहाँ से लेकर आई है वहीं पर क्या करके आ, वापस करके आ, तो चली गई। रास्ते में 5 ऐसे स्थान मिले जहां पर 5 पापों के कारण क्या दिया जा रहा था, व्यक्तियों को दंड दिया जा रहा था। पहले स्थान मिला हिंसा के कारण, किसके कारण, हिंसा के कारण। कोई बात नहीं बेटी, हिंसा मत करना, अहिंसा स्वीकार करना, बाकी के 4 वापस कर देना। आगे चलती गई, हिंसा झूठ का मिला, चोरी का मिला, अब मतलब अब्रह्म सेवन करने का मिला, परिग्रह वाले का मिला, अंत में क्या हुआ, क्या हुआ, 5ों के 5ों पाप जैसे गुरुजी के पास पहुंचे थे वैसे क्या हुआ, सारे के सारे 5ों के पाप क्या हो गई, अर्थ समझ में आ गया। वो तो व्रती थी, साथ में उसका पिता भी क्या बन जाता है, व्रतों को स्वीकार कर लेता है। आचार हम लोगों को संसार से भयभीत करने के लिए, संसार से व्रती लाने के लिए तो कितने उपाय करते, कितने हमको उदाहरण देते हैं। ये 12 अनपेक्षाएं क्या हैं, अध्रुव भावना, कौन सी भावना, अध्रुव भावना, जिसको अनित्य भावना भी बोलते हैं। संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब क्या है, अनित्य है। संसार में जो भी कुछ है अध्रुव है, ध्रुव कोई नहीं है। ध्रुव का मतलब स्थिर और अध्रुव का मतलब अस्थिर। ये 12 भावनाएं हमको संसार से व्रत कराने का काम करती हैं। देखिए अध्रुव भावना का चिंतन करिए, हे जीव चिंतन कर, संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, फिर भी हम क्या समझते हैं, मैं इस घर में आ गया, इस मकान में आ गया, मैं कैसा हूं, स्थिर हूं। भगवंत कहते हैं यही तुम्हारी भूल है। बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है, जब मूल में भूल हो, किस में भूल हो, जब मूल में भूल हो तो ब्याज में भी भूल अवश्य होगी। कहां पर, जब मूल में क्या है, भूल है, तो ब्याज में भी क्या है, भूल है। और जहां पर मूल याद है वहां पर कभी भूल पड़ने वाली नहीं है। पहली भूल क्या है, ये जीव की, जीव विचय, किसका ध्यान करना है, जीव विचय, जीव पर चिंतन करना है। और देखा जाए 7 तत्वों में हे और उपादे और गे, क्या हे और उपादे और गे, 7 तत्वों में आश्रव अजीव आश्रव बंद हे, संबर निर्जरा मोक्ष उपादे, और जीव
गे, गे का मतलब जानने वाला। नया न्यायाधीश है कौन है? ये जीव। पर क्या करें, हम लोग न्याय नहीं कर पाते हैं, न्याय संगत बात नहीं कर पाते। क्यों, क्या कारण है? ना न्याय की बात सुन पाते हैं और ना न्याय दे पाते हैं। बड़ा मार्मिक उदाहरण है, जीव की स्थिति वो स्थिति है जैसे चौराहे पे लगा हुआ कैमरा। क्या लगा हुआ? एक ट्रैफिक के लिए क्या लगा रखा है लोगों ने, अब देखा होगा रोड पर क्या लगे रहते हैं, कैमरे लगे हैं ना। इंसान खड़ा हो तो एक समय के लिए क्या कर सकता है, ये गाड़ी अपनी है ऐसे साइड से करो, और ये गाड़ी अपनी नहीं है इसको क्या कर दो, चलान कर दो। पर ये कैमरा क्या करता है, जो नियम तोड़ेगा, न्यायाधीश है कौन है, जिसने नियम तोड़ा, जिसने रेड लाइट को क्रॉस किया, जा बेटा तोड़ कर जा, तेरे मोबाइल पर चालान अपने यहां पहुंच जाएगा। हाई टेक्नोलॉजी चल रही है आजकल, समझे ना कितनी फास्ट। इधर रूल्स तोड़ता है और उधर क्या होता है, चालान होता नहीं होता, तुरंत पहुंचता है। इससे भी हाई टेक्नोलॉजी हमारे पास है। इधर जीव थोड़ी सी असावधानी करता है, विचार भी करता है ना, तुरंत उसके खाते में क्या पहुंच जाता है, जा बेटा भर देना। क्या करना, भर देना। यहां पर तो रिश्वत भी चलने वाली नहीं है, और स्थान पर तो रिश्वत भी चल जाएगी, पर कर्म के आगे कुछ भी रिश्वत नहीं चलती है। सुंदर व्याख्यान था एक स्थान पर, जीव से संबोधन किया, भगवान से डरो या मत डरो कोई फर्क नहीं पड़ता, किससे, भगवान से डरो या मत डरो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम कर्मों से डरो, क्योंकि कर्मों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। क्या समझे आप, किससे डरो, कर्मों से डरो। ये कर्म ऐसा न्यायाधीश है आपकी व्यवस्था को तुरंत आप तक पहुंचा, जैसा भाव कर दो वैसा वैसा होता है। आचार्य भगवंत कहते हैं वैसा वैसा होता है, तो क्यों ना हम अद्रुप भावना का चिंतन करें। किसका चिंतन करें, हे जीवराज किसका चिंतन करो, अद्रुप भावना। अद्रुप भावना में क्या, इस संसार में कुछ भी ना स्थिर था ना है ना आगे रहेगा। लोग बाग अपना एड्रेस बताते हैं, कौन सी कोठी नंबर में रहते हो, कौन से ब्लॉक में रहते हो, बताओ, ए बी सी है ना, तुरंत पूछता, बताओ आपका एड्रेस क्या है, तुरंत क्या बता देते हैं अपन, सूर्यनगर, रामप्रस्थ, रामपुरी, चंद्रनगर और ब्रज विहार, में जो कॉलोनी में रहते हैं, जिस ब्लॉक में रहते हैं, जो नंबर है, फ्लैट नंबर है, कोठी नंबर है, घर नंबर जो भी है सब बता देते हैं। पर ये एड्रेस परमानेंट नहीं है, कब तक नहीं है, परमानेंट नहीं है, स्थाई नहीं है, कैसा है, अस्थाई है।
पर जीव बड़ा खुश होता है। क्या खुश होता है? ये किसका है? मेरा है। जब तेरा है तो तेरे साथ जाना चाहिए, जब तेरा है तो तेरे साथ आना चाहिए, पर नहीं आता है। हाँ, कहने में अवश्य आता है। ये किसका है? मेरा है। और मेरा भी किस लिए? क्योंकि मैंने धन खर्च किया, इसलिए मेरा है। दूसरे के मकान पर कह के दिखाओ ये कोठी मेरी है, पता चल जाएगा आप लोगों को। लोग क्या कहेंगे? अरे कैसा बाबड़ा है, कैसा पागल हो गया है, ये कोठी अपनी बता रहा है, ये बंगला अपना बता रहा है, ये गाड़ी अपनी बता रहा है। हाथ रख कर बता, मालूम पड़ जाए तुरंत अंदर कर दिया जाएगा। धन खर्च किया इसलिए मेरा है। आचार्य कहते हैं धन खर्च नहीं किया आपने, अपना मतलब कीमती वक्त खत्म किया। जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, बेस कीमती, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। मैं देखता हूँ जब निकलता हूँ, करीब 19-20 दिन, हाँ 20 दिन समथिंग हो गए सूर्यनगर में, जब जब चरिया के लिए जाता हूँ देखता हूँ हर गलियों में कुछ ना कुछ बन रहा है। राकेश जी, बन रहा नहीं बन रहा? मंदिर के पास भी बन रहा है, मंदिर के बगल में भी बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा? जहां नजर डालो वहां कुछ बन रहा है, पर पहले भी बना हुआ था। क्या पहले भी बना हुआ था ना? जब आपने उसको स्थिर नहीं रहने दिया, चिंतन की बात है, सोचना है हम सभी लोगों को। हमने जब उसको स्थिर नहीं रहने दिया तो बताओ तुम्हारे द्वारा बनाई हुई इमारत स्थिर रह पाएगी क्या? कोई दूसरा दिमाग आएगा, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, क्या इसे मजा नहीं आ रहा, क्या करो इसे हटाओ, क्या करो इसको फिर से बनाओ। महान बाबू, यही तो हमारे लिए चिंतन करने वाली बात है। मुझे बहुत एक अच्छा उदाहरण लगता है, एक व्यक्ति घर बनाता है, सभी ने बनाए होंगे अपने अपने, बनाए ना, घर बनाया, घर बनाने के बाद क्या बनाया वहां पर, अच्छी पेंट कराया, करने कराया, घर बनकर तैयार हो गया तो घर के दरवाजे पर क्या टांगा बोलो? है नेम प्लेट छोड़ो, कहीं मेरे घर को नजर ना लग जाए। बताओ पत्रकार जी क्या टांगा? किसका चेहरा था? भूत का चेहरा ढंग दिया। यहां तो कुछ है, चलो यहां तो थोड़ा समझदार लोग हैं, एक चेहरा ही टांगते हैं। गांव देहात के लोग होते हैं, अपने घर का फटा हुआ जूता ही टांग देते हैं, यहां का पता नहीं। गांव देहात में तो ऐसा भी होता है, क्या टांग देते हैं? दो टांगों समझ में, एक ही टांगता है वो, दो नहीं टांगता, क्या टांगता है? एक जूता टांग देता है। क्यों? क्या ना लग जाए? किसको? इस मकान को। ग्रह प्रवेश करता है, मैं संसार की स्थिति की बात कर रहा हूं,
और इस स्थिति में हम सभी लोग शामिल हैं। क्या हम सभी लोग शामिल हैं? बहुत अच्छी तरह घर बनाया, पूरा पैसा लगा दिया, विदेश से पत्थर मंगाड़ कर भी लगाया, जिसको इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं अपन, ऐसे क्या बोलते हैं बाहर से, क्या बोलते हैं अपन, इम्पोर्टेंट बोलते हैं, इम्पोर्टेंट सामान मंगाया बाहर से, विदेश से, टोटी है ना, जो सामान लगता है घर में वो सारा सामान लगता है, लगा कर तैयार कर दिया, और तैयार करने के बाद गृह प्रवेश किया, तो गृह प्रवेश में सभी लोगों को क्या दिया? आओ, क्या है गृह प्रवेश? है किसका? आदमी बड़ा बेईमान है, नाम देता है गृह प्रवेश और खुद प्रवेश करता है। नाम क्या है? गृह प्रवेश। और क्या करता है? इस आदमी की आदत है कि दूसरों के कांधों पर रखकर क्या करना, गुड्डिया खेलना। किसकी आदत है? किसका प्रवेश है? गृह प्रवेश है। चलो कोई बात नहीं, सभी को बुलाया, और बुला लेने के बाद अच्छा भोजन भी कराया, विधान भी कराया, और विधान होने के बाद जो भी क्रिया थी, मांगलिक क्रियाएं की, और उसके करने के बाद उस व्यक्ति को पूरा का पूरा घर दिखाया। बताओ, दिखाए दिखाते हो? मैं गलत तो नहीं बोल रहा मैं आप लोगों से? गलत बोल तो बता देना भाई एक बार, है ना? सब दिखाते हो, जितने रूम बने होते हैं ना सब दिखाते हो, जो जो लगा होता है ना सभी दिखाते हो, मौका मर पड़े तो बाथरूम भी दिखाते हो, खोल कर नहीं दिखाओ बात अलग है, पर इशारा तो कर ही देते हो भाई तुम है। बड़े आराम से रह रहे थे, बड़े खुश से रह रहे थे, संयोग से दीवार उस मकान में एक दरार आ गई। क्या आई? उल्टा जूता लटकाया तो भी नहीं, एक स्टिकर लगा दिया हाय का, वो भी काम नहीं किया, फिर भी क्या आ गई? दरार आ गई। और दरार आई तो तुम देखी, अरे दरार आ गई, अरे बिल्डर ने गड़बड़ कर दी। क्या कर दिया? क्यों दिनेश जी, क्या कर दिया? कहीं ना कहीं माल में क्या कर दी? मिलावट कर दी। पैसा तो पूरा लिया, पर क्या किया, कहीं ना कहीं इसने गड़बड़ कर दी, और उसमें क्या आ गई? दरार आ गई। और दरार जैसी आई तो बैठकर मकान का मालिक रोता है, अरे कहाँ फंस गए, पैसा बर्बाद हो गया। कहते कहते अपन लोग संयोग की बात है, मकान की दरार आने पर मकान का मालिक रोता है। एक दिन गृह प्रवेश के बाद मकान का मालिक चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बस पर्याय कोई छोड़कर चला जाता है। बताओ, जिस मालिक ने इस मकान को बनाकर तैयार किया था, कभी मकान ने कभी आंसू बहाए, कभी दुख जताया क्या कि मेरा मालिक चला गया? इसी को कहते हैं वितरागता। क्या कहते हैं? किसी के आने पर खुशी नहीं और किसी के जाने पर दुख नहीं। आपने मकान को सजाया था, आपने फूल पत्ती लगाई थे, आपने माला पहनाई थी, आपने जूता लगाया था, जो कुछ किया किसने किया? आपने किया। हटाया भी किसने? स्वयं ने हटाया। ना मकान के प्रवेश पर दुख था, ना मकान उस देह को त्यागने पर क्या था उसको दुख था। मतलब मालिक ने प्रवेश किया कोई फर्क नहीं, जब मालिक चला गया फिर भी कोई दुख नहीं। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। महाराज कहना बहुत सरल है, क्या समझे? कहना बहुत सरल है,
पर जीवन में उतारना बहुत कठिन है। बोलने के लिए तो यहाँ पर मैंने बोला था ना, अजीव विचार के भी तो चिंतन करना ही नहीं करना है अपने को, जीव के साथ साथ अजीव को भी चिंतन करना नहीं करना अपने को। मानते हैं कि अजीव को कोई फर्क नहीं है, पर आचार्य भगवंत के अजीव से भी शिक्षा ले ये जीव, शिक्षा दृष्टि है, उपकार और परोपकार की दृष्टि है। इष्ट उपदेश में आता है, जब जीव का उपकार होता है तो अजीव का अपकार होता है, और जब अजीव का उपकार होता है तो जीव का अपकार होता है। इष्ट उपदेश की गाथा कहा जाए पूज्यपाद स्वामी की। शिक्षा लेनी है हम लोगों को, और आचार्य भगवान कहते हैं शिक्षा किसी जगह, शिक्षा अगर किसी छोटे से मिल रही हो ना तो पीछे से भी हमको पीछे नहीं हटना चाहिए, तुरंत उसकी शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए। आचार्य भगवंत ने बैलेंस बनाया, हमेशा जीव और अजीव को बराबर रखा। द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमेंद्र स्वामी ने जीव मजीवम दब्बम, मां दो ही द्रव्य हैं, जीव और अजीव, उसका विभाजन तो हम लोगों ने किया है, हम लोगों को समझाने के लिए क्या है। जीव मजीवम दब्बम जिनवण वसेण जैन निडिठम, किसके द्वारा प्रतिपादित है? मेरे द्वारा नहीं है, आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी के द्वारा नहीं है, उन वर्धमान स्वामी के द्वारा प्रतिपादित है जो सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी है। दो ही द्रव्य हैं, जीव और अजीव। आचार्य भगवंत भी कुंद कुंद स्वामी कहते हैं जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म का सार। क्या कहा? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म का सार, इसके अलावा कोई जिनवाणी का सार नहीं है। मां इन दो बातों को समझाने के लिए अनेक आचारों ने हम जैसे भोले प्राणियों को समझाने के लिए अनेक अनेक ग्रंथों की रचना कर दी। क्या समझाने के लिए? बेटा जीव अजीव है, जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, मिले होने पर भी सब कैसे कैसे हैं, सब पृथक पृथक है। तो क्या प्राप्त करनी है? जीव विचय और अजीव विचय का चिंतन करना है। किसको करना है? आत्मा को करना है। इसमें क्या अपना है और क्या पराया है, इसका चिंतन करना है। तो महान बाबू, हम सभी लोग अब आगे की भूमिका में, क्योंकि मंगलाचरण को बहुत लंबा विषय है, चलता रहेगा, इसमें अपन धीमे धीमे अनपेक्षाओं की गाथा को भी अपन प्रारंभ करते रहेंगे। क्योंकि जीव जो चिंतन करता है तो इसमें एक संस्थान विषय भी होता है, इसका वर्णन अपन जब आगे धर्म धर्म का वर्णन चलेगा और बीच में अपन करते रहेंगे। कल अपन मंगलाचरण की, मंगलाचरण के बाद इसमें अपन दूसरी गाथा जो है, ठीक है ना, उसको अपन आगे की ओर गति देंगे। संक्षेप में अपन जो 12 अनपेक्षाएं हैं उनका क्या करेंगे, अपन दूसरी गाथा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, और आगे फिर एक एक भावना पर आचार्य भगवंतों ने जो जो गाथाएं दी हैं, मुख्य मुख्य गाथाएं दी हैं, उन पर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ ब्राह्म जय बोलो आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की जिनवाणी के शब्दों तक आप तक पहुंचा रहा है, और यही माइक यही सिस्टम कहीं अन्य स्थान पर लगा हो तो बताओ, जाने से मने करेगा कि मैं नहीं जा रहा हूं? मैं है कोई भी ले जाओ, कुछ भी बोलवा लो इस पर। इसका तो काम सिर्फ क्या है, क्या काम है इसका? इसका तो मात्र यही काम है कि उसको जैसा था वैसा क्या करना, उसको वहां पहुंचाना। तो यहां पर भी हमको समझना है, ये बड़ी चिंतन वाली बात है, हमारा जीवन भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए।
ये सब कब होगा? जब हमारे पास में धर्म ध्यान की व्यवस्था होगी। कैसी व्यवस्था होगी? धर्म ध्यान होगा। आचार्य भगवान कहते हैं, आप लोगों ने शायद ग्रंथ का नाम सुना होगा, 24 ठाना। पढ़ा सब लोगों ने? पढ़ा भी होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा। उसमें लगाना पड़ता है, 24 ठाना पढ़ना नहीं होता है, 24 ठाना लगाना होता है। जीव की खोज, 24 ठाना क्या है? जीव के 24 स्थान है, उनमें क्या करना? उनकी खोज करना, गति मार्गणा आदि का वर्ण, इंद्रिय का वर्णन है। यहां पर बात बड़ी समझने वाली है, सोचने वाली बात है। जब उस 24 ठाणा ग्रंथ को लगाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, जीव के बारे में चिंतन करते हैं, तो चलते चलते में अपन विचार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चल रहे हैं, और चलते चलते में हम लोगों ने क्या किया? चिंतन किया। याद रखना, धर्म करने के लिए, धर्म ध्यान करने के लिए कहीं पर कुछ भी बाधक नहीं है, कोई बाधक नहीं है। किसमें बाधक नहीं है? धर्म ध्यान की भूमिका में कुछ भी बाधक नहीं है। कहीं पर भी, कैसे भी, किसी भी वस्तु में हम क्या कर सकते हैं? धर्म क्रिया और धर्म ध्यान कर सकते हैं। विचार करने वाली बात है, रात्रि के समय, अर्धरात्रि में किसी का भाव आया, मुझे ये विषन छोड़ने हैं, बताओ वो क्या करेगा? अर्धरात्रि में चिंतन आया कि मुझे ये व्यसन छोड़ने हैं, बताओ वो क्या करेगा? सुबह का इंतजार करेगा? बताओ, सुबह का इंतजार करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्या पता जो भाव आज है सुबह तक ना रहे, झट क्या करेगा? झट उन वस्तु को छोड़ देगा, पर इंतजार नहीं करेगा। और जो इंतजार करेगा वो उसको छोड़ नहीं पाएगा। क्या समझे? कोई कहे कि हाँ छोड़ने का भाव तो है, पर क्या नहीं हो रहा? छोड़ नहीं पा रहा हूं। वो क्या दे रहा है? तारीख पर तारीख दे रहा है, आज नहीं, कल, कल नहीं, फिर कभी, फिर नहीं, फिर कभी। करते करते क्या हुआ? पूरा का पूरा समय क्या निकल गया? निकल गया। आखिर में वो कुछ कर पाया? नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्या कारण था उसका? आखिर में ऐसी कौन सी कमी थी वो जिस कारण नहीं कर पाया? आचार्य भगवान कहते हैं, मात उसकी ये कमी थी, उसने त्याग का क्या किया था? इंतजार किया था। क्या किया था? त्याग करने के लिए इंतजार किया, करूंगा करूंगा करूंगा, पर क्या हुआ? वो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? विषयों में आसक्ति थी, उसको जीव तत्व का चिंतन नहीं कर पा रहा था। किसका चिंतन नहीं कर पा रहा था? जीव तत्व का चिंतन नहीं कर पा रहा। जब तक जीव तत्व का चिंतन नहीं होगा,
तब तक वो जीव आत्मा त्यागी की ओर अग्रसर भी नहीं होगा। बड़े सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है पवन जी। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी बुराइयां प्रवेश कर रही है, वो बुराई के रूप में नहीं, अच्छाई के रूप में कर रही है। बुराई भी कैसे आ रही है? अच्छाई के रूप में आ रही है। और जब अच्छाई के रूप में आ रही है तो हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन वो बुराई हमको बुराई के रूप में दिखना प्रारंभ हो जाएगी, उस दिन आपको छोड़ने में भी वक्त नहीं लगेगा। शायद सुकमाल स्वामी के जीवन चरित्र से है, जब वो ब्राह्मणी मतलब कन्या थी ब्राह्मण की, उस समय उसको देखा देखी एक मुनराज ने 5 व्रतों का नियम दे दिया। कितने व्रतों का? 5 व्रत, जो 5 पाप होते हैं ना, उनको छोड़ने का क्या दे दिया? नियम दे दिया। हिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य मतलब आप ब्रह्म का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, आप ब्रह्म में रहना। अब परिग्रह में भी अणुव्रत के लिए परिग्रह परमाण व्रत, और मुनियों के लिए अप्रज्ञ ही, पर ग्रस्त था तो ग्रस्त में क्या करना पड़ेगा? परिग्रह का प्रमाण करना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ, जब व्रत लेकर अपने घर की ओर गई तो उसके पिता ने कहा कि तू क्या लेकर आ गई? ये व्रत हमारे नहीं है। तो उस समय गुरुजी ने एक बात और कही थी कि जब इनको छोड़ना हो तो मेरे पास ही आके छोड़ना। क्या समझे? क्या बोला उन्होंने? जब ये व्रतों को छोड़ना हो तो क्या करना? कहीं एकांत में मत छोड़ देना। मैंने दिए हैं ना, तो किसको देना? मुझे जाकर दे देना, कि मेरा माल मुझे वापस कर देना। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा ही हुआ, जब पिता ने कहा कि तू व्रत लेकर आई है, जहाँ से लेकर आई है वहीं पर क्या करके आ, वापस करके आ, तो चली गई। रस्ते में 5 ऐसे स्थान मिले जहां पर 5 पापों के कारण क्या दिया जा रहा था? व्यक्तियों को दंड दिया जा रहा था। पहले स्थान मिला हिंसा के कारण। किसके कारण? हिंसा के कारण। कोई बात नहीं बेटी, हिंसा मत करना, अहिंसा स्वीकार करना, बाकी के 4 वापस कर देना। आगे चलती गई, हिंसा झूठ का मिला, चोरी का मिला, अब मतलब अब्रह्म सेवन करने का मिला, परिग्रह वाले का मिला, अंत में क्या हुआ? क्या हुआ? 5ों के 5ों पाप जैसे गुरुजी के पास पहुंचे थे वैसे क्या हुआ? सारे के सारे 5ों के पाप क्या हो गई? अर्थ समझ में आ गया। वो तो व्रती थी, साथ में उसका पिता भी क्या बन जाता है? व्रतों को स्वीकार कर लेता है। आचार हम लोगों को संसार से भयभीत करने के लिए, संसार से भक्ति लाने के लिए तो कितने उपाय करते, कितने हमको उदाहरण देते हैं। ये 12 अनपेक्षाएं क्या हैं? अध्रुव भावना। कौन सी भावना? अध्रुव भावना, जिसको अनित्य भावना भी बोलते हैं। संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब क्या है? अनित्य है।
संसार में जो भी कुछ है अध्रुव है, ध्रुव कोई नहीं है। ध्रुव का मतलब स्थिर और अध्रुव का मतलब अस्थिर। ये 12 भावनाएं हमको संसार से विरक्त कराने का काम करती हैं। देखिए अध्रुव भावना का चिंतन करिए, हे जीव चिंतन कर, संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। फिर भी हम क्या समझते हैं, मैं इस घर में आ गया, इस मकान में आ गया, मैं कैसा हूं, स्थिर हूं। भगवंत कहते हैं यही तुम्हारी भूल है। बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है, जब मूल में भूल हो। किसमें भूल हो? जब मूल में भूल हो तो ब्याज में भी भूल अवश्य होगी। कहां पर? जब मूल में क्या है, भूल है, तो ब्याज में भी क्या है, भूल है। और जहां पर मूल याद है वहां पर कभी भूल पड़ने वाली नहीं है। पहली भूल क्या है ये जीव की? जीव विचय। किसका ध्यान करना है? जीव विचय, जीव पर चिंतन करना है। और देखा जाए 7 तत्वों में हे और उपादे और गे, क्या हे और उपादे और गे, 7 तत्वों में आश्रव अजीव आश्रव बंद हे, संबर निर्जरा मोक्ष उपादे और जीव गे। गे का मतलब जानने वाला, नया न्यायाधीश है। कौन है ये जीव? पर क्या करें, हम लोग न्याय नहीं कर पाते हैं, न्याय संगत बात नहीं कर पाते। क्यों, क्या कारण है? ना न्याय की बात सुन पाते हैं और ना न्याय दे पाते हैं। बड़ा मार्मिक उदाहरण है, जीव की स्थिति वो स्थिति है जैसे चौराहे पे लगा हुआ कैमरा। क्या लगा हुआ? एक ट्रैफिक के लिए क्या लगा रखा है लोगों ने, अब देखा होगा रोड पर क्या लगे रहते हैं, कैमरे लगे हैं ना। इंसान खड़ा हो तो एक समय के लिए क्या कर सकता है, ये गाड़ी अपनी है ऐसे साइड से करो, और ये गाड़ी अपनी नहीं है इसको क्या कर दो, चलान कर दो। पर ये कैमरा क्या करता है, जो नियम तोड़ेगा, न्यायाधीश है। कौन है? जिसने नियम तोड़ा, जिसने रेड लाइट को क्रॉस किया, जा बेटा तोड़ कर जा, तेरे मोबाइल पर चालान अपने यहां पहुंच जाएगा। हाई टेक्नोलॉजी चल रही है आजकल, समझे ना कितनी फास्ट। इधर रूल्स तोड़ता है और उधर क्या होता है, चालान होता नहीं होता, तुरंत पहुंचता है। इससे भी हाई टेक्नोलॉजी हमारे पास है। इधर जीव थोड़ी सी असावधानी करता है, विचार भी करता है ना, तुरंत उसके खाते में क्या पहुंच जाता, जा बेटा भर देना। क्या करना? भर देना। यहां पर तो रिश्वत भी चलने वाली नहीं है, और स्थान पर तो रिश्वत भी चल जाएगी, पर कर्म के आगे कुछ भी रिश्वत नहीं चलती है।
सुंदर व्याख्यान था एक स्थान पर, जीव से संबोधन किया, भगवान से डरो या मत डरो कोई फर्क नहीं पड़ता, किससे? भगवान से डरो या मत डरो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम कर्मों से डरो, क्योंकि कर्मों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। क्या समझे आप? किससे डरो? कर्मों से डरो। ये कर्म ऐसा न्यायाधीश है आपकी व्यवस्था को तुरंत आप तक पहुंचा दे, जैसा आप भाव कर दो वैसा वैसा होता है। आचार्य भगवंत कहते हैं वैसा वैसा होता है तो क्यों ना हम अद्रुप भावना का चिंतन करें। किसका चिंतन करें? हे जीवराज, किसका चिंतन करो? अद्रुप भावना। अद्रुप भावना में क्या? इस संसार में कुछ भी ना स्थिर था, ना है, ना आगे रहेगा। लोग बाग अपना एड्रेस बताते हैं, कौन सी कोठी नंबर में रहते हो, कौन से ब्लॉक में रहते हो, बताओ, ए बी सी, है ना? तुरंत पूछता, बताओ आपका एड्रेस क्या है, तुरंत क्या बता देते हैं अपन? सूर्यनगर, रामप्रस्थ, रामपुरी, चंद्रनगर और ब्रज विहार, में जो कॉलोनी में रहते हैं, जिस ब्लॉक में रहते हैं, जो नंबर है, फ्लैट नंबर है, कोठी नंबर है, घर नंबर जो भी है, सब बता देते हैं। पर ये एड्रेस परमानेंट नहीं है। कब तक नहीं है? परमानेंट नहीं है, स्थाई नहीं है। कैसा है? अस्थाई है। पर जीव बड़ा खुश होता है। क्या खुश होता है? ये किसका है? मेरा है। जो तेरा है तो तेरे साथ जाना चाहिए, जब तेरा है तो तेरे साथ आना चाहिए, पर नहीं आता है। हाँ, कहने में अवश्य आता है, ये किसका है? मेरा है। और मेरा भी किस लिए? क्योंकि मैंने धन खर्च किया इसलिए मेरा है। दूसरे के मकान पर कह के दिखाओ ये कोठी मेरी है, पता चल जाएगा आप लोगों को, लोग क्या कहेंगे? अरे कैसा बावड़ा है, कैसा पागल हो गया है, ये कोठी अपनी बता रहा है, ये बंगला अपना बता रहा है, ये गाड़ी अपनी बता रहा है। हाथ रख कर बता, मालूम पड़ जाए तुरंत अंदर कर दिया जाएगा। धन खर्च किया इसलिए मेरा है। आचार्य कहते हैं धन खर्च नहीं किया आपने, अपना मतलब कीमती वक्त खत्म किया। जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, बेस कीमती, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। मैं देखता हूँ जब निकलता हूँ, करीब 19-20 दिन, हाँ 20 दिन समथिंग हो गए सूर्यनगर में, जब जब चरिया के लिए जाता हूँ देखता हूँ हर गलियों में कुछ ना कुछ बन रहा है। राकेश जी, बन रहा नहीं बन रहा? मंदिर के पास भी बन रहा है, मंदिर के बगल में भी बन रहा है, बन रहा ही नहीं बन रहा? जहां नजर डालो वहां कुछ बन रहा है, पर पहले भी बना हुआ था। क्या पहले भी बना हुआ था ना? जब आपने उसको स्थिर नहीं रहने दिया, चिंतन की बात है, सोचना है हम सभी लोगों को, हमने जब उसको स्थिर नहीं रहने दिया तो बताओ तुम्हारे द्वारा बनाई हुई इमारत स्थिर रह पाएगी क्या?
कोई दूसरा दिमाग आएगा, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, क्या इसे मजा नहीं आ रहा, क्या करो इसे हटाओ, क्या करो इसको फिर से बनाओ। महान बाबू यही तो हमारे लिए चिंतन करने वाली बात है। मुझे बहुत एक अच्छा उदाहरण लगता है, एक व्यक्ति घर बनाता है, सभी ने बनाए होंगे अपने अपने बनाए ना, घर बनाया, घर बनाने के बाद क्या बनाया वहां पर, अच्छी पेंट कराया, करने कराया, घर बनकर तैयार हो गया तो घर के दरवाजे पर क्या टांगा बोलो, है नेम प्लेट छोड़ो, कहीं मेरे घर को नजर ना लग जाए, बताओ पत्रकार जी क्या टांगा, किसका चेहरा था, भूत का चेहरा टांग दिया। यहां तो कुछ है, चलो यहां तो थोड़ा समझदार लोग हैं, एक चेहरा ही टांगते हैं, गांव देहात के लोग होते हैं अपने घर का फटा हुआ जूता ही टांग देते हैं, यहाँ का पता नहीं, गांव देहात में तो ऐसा भी होता है, क्या टांग देते हैं, दो टांगों समझ में, एक ही टांगता है वो, दो नहीं टांगता, क्या टांगता है, एक जूता टांग देता है, क्यों क्या ना लग जाए, किसको, इस मकान को। गृह प्रवेश करता है, मैं संसार की स्थिति की बात कर रहा हूं, और इस स्थिति में हम सभी लोग शामिल हैं, क्या हम सभी लोग शामिल हैं। बहुत अच्छी तरह घर बनाया, पूरा पैसा लगा दिया, विदेश से पत्थर मंगा कर भी लगाया, इसको इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं अपन, ऐसे क्या बोलते हैं बाहर से, क्या बोलते हैं अपन, इम्पोर्टेंट बोलते हैं, इम्पोर्टेंट सामान मंगाया बाहर से, विदेश से, टोटी है ना, जो सामान लगता है घर में वो सारा सामान लगता है, लगा कर तैयार कर दिया, और तैयार करने के बाद गृह प्रवेश किया, तो गृह प्रवेश में सभी लोगों को क्या दिया, आओ क्या है, गृह प्रवेश है किसका, आदमी बड़ा बेईमान है, नाम देता है गृह प्रवेश और खुद प्रवेश करता है, नाम क्या है, गृह प्रवेश, और क्या करता है, इस आदमी की आदत है कि दूसरों के कांधों पर रखकर क्या करना, गुड़िया खेलना, किसकी आदत है, किसका प्रवेश है, गृह प्रवेश है, चलो कोई बात नहीं, सभी को बुलाया, और बुला लेने के बाद अच्छा भोजन भी कराया, विधान भी कराया, और विधान होने के बाद जो भी क्रिया थी मांगलिक क्रियाएं की, और उसके करने के बाद उस व्यक्ति को पूरा का पूरा घर दिखाया, बताओ दिखाया दिखाते हो, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, मैं आप लोगों से गलत बोलूं तो बता देना भाई एक बार, है ना, सब दिखाते हो, जितने रूम बने होते हैं ना सब दिखाते हो, जो जो लगा होता है ना सभी दिखाते हो, मौका मर पड़े तो बाथरूम भी दिखाते हो, खोल कर नहीं दिखाओ बात अलग है, पर इशारा तो कर ही देते हो भाई तुम है, बड़े आराम से रह रहे थे, बड़े खुश से रह रहे थे, संयोग से दीवार उस मकान में एक दरार आ गई, क्या आई, उल्टा जूता लटकाया तो भी नहीं, एक स्टिकर लगा दिया हाय का, वो भी काम नहीं किया,
फिर भी क्या आ गई, दरार आ गई। और दरार आई तो उसने देखी, अरे दरार आ गई, अरे बिल्डर ने गड़बड़ कर दी। क्या कर दिया, क्यों दिनेश जी क्या कर दिया, कहीं ना कहीं माल में क्या कर दी, मिलावट कर दी। पैसा तो पूरा लिया, पर क्या किया, कहीं ना कहीं इसने गड़बड़ कर दी। उसमें क्या आ गई, दरार आ गई। और दरार जैसी आई तो बैठकर मकान का मालिक रोता है, अरे कहां फंस गए, पैसा बर्बाद हो गया। कहते कहते अपन लोग संयोग की बात है, मकान की दरार आने पर मकान का मालिक रोता है। एक दिन गृह प्रवेश के बाद मकान का मालिक चला जाता है। कहाँ चला जाता है, बस पर्याय को छोड़कर चला जाता है। बताओ, जिस मालिक ने इस मकान को बनाकर तैयार किया था, कभी मकान ने कभी आंसू बहाए, कभी दुख जताया क्या कि मेरा मालिक चला गया? इसी को कहते हैं वितरागता। क्या कहते हैं, किसी के आने पर खुशी नहीं और किसी के जाने पर दुख नहीं। आपने मकान को सजाया था, आपने फूल पत्ती लगाए थे, आपने माला पहनाई थी, आपने जूता लगाया था, जो कुछ किया किसने किया, आपने किया। हटाया भी किसने, स्वयं ने हटाया। ना मकान के प्रवेश पर दुख था, ना मकान उस देह को त्यागने पर क्या था उसको दुख था। मतलब मालिक ने प्रवेश किया कोई फर्क नहीं, जब मालिक चला गया फिर भी कोई दुख नहीं। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। महाराज कहना बहुत सरल है, क्या समझे, कहना बहुत सरल है पर जीवन में उतारना बहुत कठिन है। बोलने के लिए तो यहां पर मैंने बोला था ना, अजीब विचार के भी तो चिंतन करना ही नहीं करना अपने को, जीव के साथ साथ अजीब को भी चिंतन करना नहीं करना अपने को। मानते हैं कि अजीब को कोई फर्क नहीं है, पर आचार्य भगवान के अजीब से भी शिक्षा ले अजीब, शिक्षा दृष्टि है, उपकार और परोपकार की दृष्टि है। इष्ट उपदेश में आता है, जब जीव का उपकार होता है तो अजीब का अपकार होता है, और जब अजीब का उपकार होता है तो जीव का अपकार होता है। इष्ट उपदेश की गाथा आ जाए पूज्यपाद स्वामी की। शिक्षा लेनी है हम लोगों को, और आचार्य भगवान कहते हैं शिक्षा किसी शिक्षा अगर किसी छोटे से मिल रही हो ना, तो पीछे से भी हमको पीछे नहीं हटना चाहिए, तुरंत उसकी शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए। आचार्य भगवंत ने बैलेंस बनाया, हमेशा जीव और अजीब को बराबर रखा। द्रव संग्रह में आचार्य नेमेंद्र स्वामी ने जीव मजीवम दब्बम, मां दो ही द्रव्य हैं, जीव और अजीब, उसका विभाजन तो हम लोगों ने किया है, हम लोगों को समझाने के लिए क्या है। जीव मजीवम दब्बम जिनवर वसेन जैन निडिठम, किसके द्वारा प्रतिपादित है, मेरे द्वारा नहीं है, आचार्य कुंदकुंद देव स्वामी के द्वारा नहीं है, उन वर्धमान स्वामी के द्वारा प्रतिपादित है जो सर्वज्ञ वितरागी और हितोपदेशी है। दो ही द्रव्य हैं, जीव और अजीब। आचार्य भगवंत भी कुंदकुंद स्वामी कहते हैं जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म का सार। क्या कहा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म का सार, इसके अलावा कोई जिनवाणी का सार नहीं है। मां इन दो बातों को समझाने के लिए अनेक आचार्यों ने हम जैसे भोले प्राणियों को समझाने के लिए अनेक अनेक ग्रंथों की रचना कर दी। क्या समझाने के लिए, बेटा जीव अजीव है, जीव
जुदा है, अपुद्गल जुदा है, मिले होने पर भी सब कैसे कैसे हैं, सब पृथक पृथक है। तो क्या प्राप्त करनी है, जीव विचय और अजीव विचय का चिंतन करना है। किसको करना है, इस आत्मा को करना है। इसमें क्या अपना है और क्या पराया है, इसका चिंतन करना है। तो महान बाबू, हम सभी लोग अब आगे की भूमिका में, क्योंकि मंगलाचरण को बहुत लंबा विषय है, चलता रहेगा, इसमें अपन धीमी धीमी अनपेक्षाओं की गाथा को भी अपन प्रारंभ करते रहेंगे। क्योंकि जीव जो चिंतन करता है तो इसमें एक संस्थान विषय भी होता है, इसका वर्णन अपन जब आगे धर्म का वर्णन चलेगा और बीच में अपन करते रहेंगे। कल अपन मंगलाचरण के बाद इसमें अपन दूसरी गाथा जो है, ठीक है ना, उसको अपन आगे की ओर गति देंगे। संक्षेप में अपन जो 12 अनपेक्षाएं हैं उनका क्या करेंगे, अपन दूसरी गाथा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और आगे फिर एक एक भावना पर आचार्य भगवंतों ने जो जो गाथाएं दी हैं, मुख्य मुख्य गाथाएं दी हैं, उन पर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ ब्राह्म जय बोलो। आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी की